आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दमदार नंबर 8 के बारे में। दमदार यहां से नहीं, दमदार यहां से। नंबर 8 यानी वो लोग जो किसी भी साल या किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को पैदा हुए हैं, उन्हें हम न्यूमरोलॉजी में मूलांक 8 कह सकते हैं या बर्थ नंबर 8 भी कह सकते हैं। 8 नंबर को गवर्न करता है सैटर्न यानी शनि, और अगर आप ध्यान दें तो शनि चलता है बहुत धीरे धीरे अपनी चाल, सूर्य का एक चक्कर लगाने में बहुत समय लगा देता है। इसलिए मेरे दोस्त या दर्शक जिनका बर्थ डेट 8/17/26 है और इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके काम में डिलेज भी इसी वजह से आते हैं, बनते हुए काम रुक जाते हैं या सही रिजल्ट आने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। इसी वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि आप लाइफ में अनलकी हैं। नंबर 8 के लोग जितना ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आ जाती हैं। जब जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तब तब पीछे चले जाते हैं। इसको नंबर्स के हिसाब से समझाऊं तो 8 में जब आप 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, 1 और 6 7, एक नंबर नीचे आ गए। 16 में फिर से 8 जोड़िए, 24 बन जाएगा, 2 और 4 6, एक नंबर और नीचे। 8 फिर जोड़िए, 32, 3 2 5। तो यही सिलसिला चलता रहता है। इस सिलसिले को अगर ब्रेक करना है, आप चाहते हैं कि अगर आपके हार्डवर्क का मोल पड़े या आप लाइफ में सक्सेसफुल हों, तो करना क्या है, एक छोटा सा काम, आपको पास्ट में नहीं रहना है, आपको जीना है प्रेजेंट में। या इसको दूसरी लैंग्वेज में समझाऊं तो यू डोंट हैव टू फोकस ऑन ओल्ड, बट ट्राई टू मेक न्यू कनेक्शंस। बहुत सारे मेरे नंबर 8 के जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, न्यू कनेक्शंस बनाने में विश्वास नहीं रखते हैं, नई दोस्ती करने में विश्वास नहीं रखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम किसी से नए से दोस्ती करते हैं, नए कनेक्शंस बनाते हैं, तो कोई हमारा कहीं फ़ायदा ना उठा ले। इसी वजह से डरते रहते हैं और नए कनेक्शंस बना नहीं पाते हैं। जबकि करना क्या है, करना इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। नए लोगों से मिलना है, नेटवर्किंग करनी है, नए कनेक्शंस बनाने हैं। श्री नरेंद्र मोदी जो कि मूलांक 8 हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, देखिए उन्होंने कैसे अपनी नेटवर्किंग कर रखी है, सभी देशों से अपनी फ्रेंडशिप बना रखी है और उनकी सक्सेस स्टोरी तो आप सब जानते ही हैं। तो लेसन नंबर 1 मूलांक 8 के लिए इस वीडियो में पहला लेसन यही है कि यू हैव टू नेटवर्क वेरी वेल। और खास खूबियों की बात करेंगे नंबर 8 की, तो नंबर 8 की सबसे पहली जो खासियत होती है, खूबी होती है, दैट यू हैव गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर। इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी से ज़्यादा हेल्प लेना पसंद नहीं करते हैं, हमेशा ये चाहते हैं कि खुद से मैनेज करें और खुद से ही अपना रास्ता निकालें आगे। कई बार ये भी देखा जाता है कि एज ज़्यादा हो जाती है, बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों पर डिपेंड करना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम हमेशा अपनी लाइफ इंडिपेंडेंट तरीके से जिएं, किसी पे भी डिपेंडेंट ना हो या बर्डन ना बने। दूसरी खास बात नंबर 8 की होती है कि लविंग एंड केयरिंग होते हैं, बट होते बिल्कुल नारियल की तरह हैं, बाहर से हार्ड अंदर से सॉफ्ट। प्यार लाड बहुत करते हैं बट दिखाते नहीं है ज़्यादा, कि कहीं दूसरा वाला इनको हल्का ना ले ले, या आपकी डोमिनेटिंग जो नेचर है उसको आप बना के रखना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू बी अ लीडर इन योर फैमिली ऑल्सो। तीसरी जो खास बात है नंबर 8 की, दैट यू आर अ वेरी गुड हार्ड वर्कर। जैसे मैंने पहले भी कहा वीडियो में, आप हार्डवर्क तो करना चाहते हैं और करते भी हैं, तो इसी वजह से कई बारी जो बॉसेज हैं आपके, वो आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं और आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉप सीक्रेट काम भी दे सकते हैं करने के लिए, या कई बारी बॉस अपना पर्सनल काम भी दे सकते हैं आपको करने के लिए, बिकॉज दे ट्रस्ट यू सो मच। तो नंबर 8 की ये भी बहुत अच्छी खासियत होती है। बट इतना सब कुछ करने के बाद भी जो अप्रिसिएशन है वो थोड़ी सी कम मिलती है, इस वजह से आप निराश रह सकते हैं। और इसको कैसे ठीक करना है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अगर आप बॉस की बात करी है तो साथ में बात कर लेनी चाहिए करियर फील्ड्स कौन सी आपके लिए अच्छी हैं। करियर ऑप्शंस की बात करूं तो नंबर 8 के लोग लॉ की फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, लॉयर भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, जज भी बहुत बढ़िया बन सकते हैं। इंडिया के टॉप लॉयर श्री कपिल सिब्बल भी नंबर 8 ही हैं। फिटनेस पे ध्यान दें और अपने आप को वेल मेंटेन करके रखें तो मीडिया लाइन में भी नंबर 8 के लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। जॉन अब्राहम, शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन सभी बहुत फिट हैं और मीडिया लाइन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेहनती होते हो तो मेहनत करोगे तो स्पोर्ट्स में भी अच्छा करोगे। तो सौरभ गांगुली, अनिल कुंबले, एबी डिविलियर्स भी नंबर 8 हैं एंड स्पोर्ट्स में इन्होंने अच्छा नाम बनाया है। बिजनेस की बात करूं तो कंस्ट्रक्शन या कॉन्ट्रैक्टर लाइन में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। यूजुअली देखा जाता है जो बिल्डर लोग हैं या बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, और अगर उनका मूलांक 8 है तो वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। नंबर 8 के जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा पैसे को सोच समझ के खर्च करते हैं, इसी वजह से इकोनॉमिक्स या वेल्थ जनरेशन में भी अच्छा कर सकते हैं। इंडिया के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर एंड एक्स प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह भी नंबर 8 हैं एंड इंडिया के करंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी भी नंबर 8 ही हैं। जॉब्स की बात करूं तो एडमिन, सिक्योरिटी, फाइनेंस, इवन की स्पेशलाइज सर्जरी जो होती हैं जिसमें रोबोट्स का यूज़ होता है, वो भी सर्जन्स नंबर 8 के बहुत अच्छे बन सकते हैं, उसमें भी आप कमाल कर सकते हैं।
तो ये थी कुछ करियर फील्ड्स जो नंबर 8 के लोगों को फॉलो करनी चाहिए, और इसमें करें तो डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 4 खास बातें जिसका नंबर 8 के लोगों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, नहीं तो आप ज़िंदगी में परेशानी में पड़ सकते हैं। कौन सी ये 4 बातें, आइए मैं अब आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, नंबर 8 के लोग यानी जिनका बर्थ रेट 8/17/26 है, उनको ये ध्यान रखनी है कि नो शॉर्टकट्स। ज़िंदगी में जब भी आप शॉर्टकट लेंगे या क्विक रिच स्कीम्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो ये मान लीजिए कि जितना आपने शॉर्टकट लिए उतना ही लंबा रास्ता आपको तय करना पड़ेगा या उतना ही लंबा समय लग सकता है आपको आपके गोल्स तक पहुंचने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ है अवॉइड शॉर्टकट्स। दूसरी चीज़ जो नंबर 8 के लोगों को ध्यान रखनी है, नंबर 8 के लोगों को प्यार बड़ी मुश्किल से मिलता है, और अगर आपको अच्छा जीवन साथी मिल गया है तो उस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश कीजिए। कई बार देखा जाता है कि ईगो की वजह से छोटी छोटी जो लड़ाइयां हैं वो बड़े इशू बन जाते हैं, और इसी वजह से ब्रेकअप्स हो जाते हैं या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जो सिंगल हैं नंबर 8 के लोग और इस वीडियो को देख रहे हैं, आप डरते हैं अपने दिल की बात कहने से, आप रिजेक्शन से डरते हैं कि अगर मैं दिल की बात कह दूं और सामने वाले रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा। मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगा, प्यार किया तो डरना क्या, अपनी बात कह दीजिए, बाकी ईश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए। तीसरी बात पे अब आते हैं नंबर 8 के लिए। नंबर 8 के जो लोग हैं हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, फ्यूचर में क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, और इसी वजह से प्रेजेंट नहीं जी पाते हैं। आपके आसपास के लोग भी इसी वजह से परेशान हैं कि आप हमेशा कल की सोचते रहते हैं। तो एक और सजेशन यहाँ पे मैं नंबर 8 के लोगों को देना चाह रहा हूँ कि प्लानिंग प्लॉटिंग से ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। आप आज का जो समय है उसी में मस्त रहिए और उसी को एंजॉय कीजिए। चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो नंबर 8 के लोगों को ध्यान रखनी है वो ये है कि आप कभी भी कोई भी डिसीजन गुस्से में मत लीजिए। अगर आप गुस्से में कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी और आपके आसपास जितने भी लोग हैं आपसे जुड़े हुए हैं उनकी ज़िंदगी में तबाही ला सकते हैं। तो हमेशा सोच समझ के शांत दिमाग के साथ डिसीजन लीजिए, गुस्से में कोई डिसीजन मत लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं 8/17/26 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी नहीं है तो आपके लव्ड वंस की होगी। इन 4 बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे अपनी लाइफ में तो डेफिनेटली आप काफ़ी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रह सकती है। तो हेल्थ की बात करूँ नंबर 8 की, तो हेडेक्स, फ्रीक्वेंट हेडेक्स रह सकते हैं, यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मेल्स में प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम देखी जा सकती है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम यानी जोड़ों का दर्द बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है नंबर 8 के लोगों में। तो आपको विटामिन डी रिच फूड्स खाने हैं, जिस भी फूड में विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा हो वो आप लीजिए, या कैल्शियम रिच फूड्स लीजिए, वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। चलिए करियर की बात हो गई, हेल्थ की बात हो गई, तो अब बात कर लेते हैं कुछ लक फैक्टर के बारे में। तो लकी डेज जो आपके लिए वो हैं सैटरडे, संडे और मंडे। लकी कलर्स हैं आपके लिए ब्लू, ब्लैक और पर्पल। गोल्डन ईयर्स यानी जिंदगी के वो साल जिसमें आप जिंदगी के बड़े फैसले ले सकते हैं वो है 26, 35, 44, 53 और 62। ये सभी साल आपके लिए बहुत अच्छे रह सकते हैं, इसमें आप जिंदगी के बड़े फैसले लीजिए। बात करूँ कंपैटिबल नंबर्स की, यानी वो लोग जिनके साथ आपके रिश्ते अच्छे चल सकते हैं या मैरिज के लिए कंपैटिबिलिटी जिनके साथ बेटर है, वो है मूलांक 2, 5 और 6। ध्यान दीजिए मैंने मूलांक की बात करी है, तो यानी 11 एक और एक को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 14 एक 4 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। ऐसे ही जिन भी डेट्स का टोटल 2, 5, 6 आता है यानी मूलांक 2, 5, 6 आता है, वो आपके लिए मैरिज के लिए और रिलेशनशिप के लिए कंपैटिबल है। अब आप कुछ रेमेडीज लिख लीजिए जो नंबर 8 के लोग यानी जिनका बर्थ डेट 8/17/26 है लाइफ में अपनाएं, तो पॉजिटिव एनर्जीज का संचार होगा और डेफिनेटली आपको लाइफ में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहली रेमेडी जो आपको अपनानी है वो ये है कि आपको करना है ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 108 बारी डेली। रोज ऐसा करेंगे तो आपका जो माइंड भागता रहता है वो स्टेबल रहेगा और यू विल बी एबल टू टेक बेटर डिसीजंस। दूसरी रेमेडी जो आपको करनी है, दैट यू शुड ऑलवेज वेयर पॉलिश्ड शूज या क्लीन जूते आपने पहनने हैं। जेन्युइन लेदर अवॉइड कीजिए, वीगन लेदर या फॉल लेदर को आप प्रेफरेंस दीजिए। इससे होगा क्या कि जो आपके मन की तमन्ना रहती है ना कि अप्रिसिएशन मिले, नेम एंड फेम मिले, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तीसरी रेमेडी जो आपने करनी है वो ये है कि आपने पक्षियों को दाना ज़रूर डालना है। पक्षियों को आप दाना डालेंगे, इट रिप्रेजेंट्स एयर एलिमेंट, और 8 नंबर शनि, शनि को भी रिप्रेजेंट करता है एयर एलिमेंट। अब हवा धीरे धीरे चले तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर वही हवा तेज़ हो जाए, आंधी का रूप ले ले, तो डिस्ट्रक्शन भी कर सकती है। तो कई बार ये देखा जाता है कि आप खुद के दुश्मन बन जाते हैं, अपनी सोच के साथ अपना ही काम बिगाड़ लेते हैं। तो अगर आप पक्षियों को दाना डालेंगे तो आपका माइंड कंट्रोल में रहेगा,
और जो आप इरेटिक गुस्से में डिसीजन लेते हैं या अग्रेसिव हो जाते हैं, इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। फोर्थ रेमेडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए और इसको तो आपने ज़रूर फॉलो करना है। आपके घर में कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। स्पेसिफिकली आपकी जो एंट्रेंस है वो वेल लिट होनी चाहिए। अगर आपके एंट्रेंस पे अंधेरा है तो ये मान लीजिए कि कॉन्स्टेंटली आपको या तो हेल्थ प्रॉब्लम्स लगी रहेंगी या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लगी रहेंगी, कई बार लीगल केसेस भी हो सकते हैं। तो मेक श्योर कि आपकी जो घर की एंट्रेंस है वो वेल लिट है। आप इन सब रेमेडीज को कीजिए। मेरी सिर्फ यही तमन्ना है कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आपके सुझाव और सवालों का इंतज़ार रहेगा कमेंट बॉक्स में। तो इस वीडियो में इतना ही, अभी के लिए विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।